आज हमारा लेसन फर्स्ट रिवीजन है। यहाँ का रिवीजन वीडियो है। आपने लेसन फर्स्ट में क्या पढ़ा, क्या आपने याद किया है या नहीं किया है, एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन कैसी रहेगी, इसीलिए हम आपको आज रिवीजन कराएंगे लेसन फर्स्ट का। तो पार्ट एक पार्ट का नाम है एक बूंद। ये कविता है एक क्यों निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे अर्थात बादलों से निकल करके जब बूंद धरती की तरफ आती है उसी को कहा गया है कि बादलों की गोद से जब बूंद एक बाहर निकली अर्थात टपकनी चली तो वो क्या सोच रही थी। सोचने फिर यही जीने लगी, जी अर्थात वो अपने मन में सोचने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी कड़ी अर्थात भूखी। वो अपने मन में बादलों से गिरते समय क्या सोच रही है कि मैं बादलों से क्यों निकली, अपने घर को छोड़कर क्यों चली, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। क्या कह रही है वो, देव मतलब भगवान, हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या बदा है, क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूँ में। अगर बूंद किसी समुद्र में गिर जाती है, नदी में गिरती है, जल स्रोत में गिरती है तो उसका जीवन तो बच जाएगा, पर अगर वो भूमि पर गिरती है तो धरती उसे अपने आप में सोख लेती है और वो समाप्त हो जाती है। या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, या फिर मैं ऊपर से गिरते समय किसी आग पर गिर जाऊंगी तो क्या होगा, बूंद का जीवन समाप्त हो जाएगा। चू पड़ूंगी या कमल के फूल, या फिर मैं किसी पुष्प के ऊपर गिरूंगी, बह गई उस काल एक ऐसी काल में समय, उस समय जब वो बूंद नीचे की तरफ आ रही थी तो एक ऐसी हवा चली वह समुंदर और आई अंदर, बिना सोचे समझे वो एकदम से किधर आ गई, हवा के झोंके में समुद्र की तरफ आ गई। एक सीप सुंदर सीप का मुंह था खुला, उस समय एक सीप का मुंह खुला हुआ था जो समुद्र में पड़ी रहती है, वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी। तो सीप में जब बारिश का पानी गिरता है तो वो मोती बन जाता है, तो उस पल भी ऐसा ही कुछ हुआ कि एक सीप का मुँह खुला हुआ था और वो बूंद उसी में चली गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, बूंद की तरह लोग भी क्या करते हैं अपना, कहीं अगर वो बाहर कहीं जाते हैं मतलब घूमने नहीं जाते हैं, जब वो कुछ करने के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर निकलते हैं कुछ जॉब करने के लिए तो वो भी बूंद की तरह ही सोचते हैं, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। जिस प्रकार से बूंद के साथ कुछ अलग सा हो गया ऐसा ही उन लोगों के साथ भी हो सकता है। तो आपने इस पाठ के वर्णन लिखे, अब मैं इस पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। बादलों की गोद से कौन निकला, इन प्रश्नों में आपको क्या करना है, लिखिए। पहला है बादलों की गोद से निकला।
आपको लिखना है